नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं लाल पत्थरों की नगरी धौलपुर के एक ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल पर, जिसका नाम है मचकुंड। इस स्थान को तीर्थों का भांजा के उपनाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि सभी तीर्थों को करने के बाद इस स्थान के दर्शन आवश्यक हैं, तभी सभी तीर्थों के दर्शनों को पूर्ण माना जाता है। इस स्थान का जो वर्तमान स्वरूप जो हम लोग देख रहे हैं, इसका सृजन 1856 ईस्वी में धौलपुर महाराजा भगवंत सिंह जी के शासनकाल में हुआ। संपूर्ण परिसर में के निर्माण में लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया है। महाराजा भगवंत सिंह जी ने इस स्थान में प्राकृतिक जो पवित्र सरोवर है, इसके चारों ओर लगभग 1 किलोमीटर की परिधि में विभिन्न अलंकृत घाटों, नक्काशीदार छतरियों को बेहद बारीकी से तराशकर स्थान को रमणीय व आकर्षक छटा प्रदान करने का कार्य करवाया था। इसके चारों ओर लगभग 108 छोटे बड़े मंदिरों का निर्माण भी महाराजा भगवंत सिंह जी के शासनकाल में ही किया गया। मंदिर परिसर के निर्माण में पूर्णतः लाल पत्थर का ही प्रयोग किया गया है। निकट ही 1612 ईस्वी में सिखों का एक पवित्र स्थल है, जिसका नाम शेर शिकार गुरुद्वारा है, वह भी स्थित है। इन प्राचीन मंदिरों में एक प्रमुख मंदिर जो भगवान शिव का आप शिवलिंग देख रहे हैं, ये चांदी से निर्मित है। ये यहाँ पर प्रमुख मंदिर है। इस चांदी से निर्मित शिवलिंग के पास ही माँ पार्वती की प्रतिमा है, जो भी अति प्राचीन है, तथा साथ ही नंदी की प्रतिमा, वो भी अति प्राचीन है। छतरी पर बेहद बारीक नक्काशी की गई है। इस स्थान का नाम मुचकुंद महाराजा मुचकुंद के नाम पर पड़ा, जो कि इक्ष्वाकु वंशीय राजा मांधाता के पुत्र थे। ये भगवान श्री राम के पूर्वज थे। पौराणिक कथा अनुसार महाराजा मुचकुंद ने देवासुर संग्राम में देवताओं की तरफ से भाग लेते हुए देवताओं को असुरों पर विजय दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। तब इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर राजा मुचकुंद को वर मांगने को कहा। इस पर महाराजा मुचकुंद ने युद्ध में हुई थकान के कारण शांत एवं गहरी निद्रा का वर मांगा। इंद्रदेव ने महाराजा मुचकुंद को निद्रा का वरदान प्रदान किया तथा साथ ही कहा कि जो भी तुम्हारी निद्रा में को भंग करेगा, उस पर तुम्हारी प्रथम दृष्टि पड़ते ही वह जलकर भस्म हो जाएगा। युगों तक महाराजा मुचकुंद इसी मुचकुंद पहाड़ पर गहरी निद्रा में एक गुफा में शयन करते रहे। द्वापर युग में काल्यवन नामक एक यवन शासक, जिसे युद्ध में पराजित न होने का मतलब कि आमने सामने के युद्ध में पराजित न होने तथा किसी भी अस्त्र शस्त्र से न मारे जाने का वरदान प्राप्त था, उसने मथुरा में भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण किया। भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता था कि काल्यवन को युद्ध में आमने सामने की लड़ाई में पराजित नहीं किया जा सकता। तब भगवान श्री कृष्ण ने हंसी ठिठोली करते हुए काल्यवन से दूर भागना प्रारंभ किया। काल्यवन इस बात से चिड़चिड़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण का पीछा करते हुए इसी गुफा में भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पीला वस्त्र जो वो धारण किए हुए थे, वो इस गुफा में निद्रा में सोए हुए महाराजा मुचकुंद को ओढ़ा दिया। इस पर भ्रम में काल्यवन ने महाराजा मुचकुंद को ही श्री कृष्ण जाना और कहा, गहरी निद्रा में मुझे देख के भागते हो, और भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ नाम से
पुकारा, तब से ही भगवान श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ पड़ा। जब काल्यवन ने महाराजा मुचुकुंद को उठाने का प्रयास किया तो उनकी प्रथम दृष्टि पड़ते ही काल्यवन जलकर भस्म हो गया। तो इसी स्थान की ये पौराणिक कथा थी। इस पौराणिक कथा का प्रदर्शन लाइट शो द्वारा इस जो मचकुंड है इस पर रात्रि में किया जाता है। तो दोस्तों ये धार्मिक स्थल था, आप इसकी विज़िट कर सकते हैं। और धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।